Hello everyone and welcome to this channel. I'm a mental counselor and in this video I'm going to introduce VARC or jo log CAT 2024 likh rahe hain unke liye ye video काफी helpful hoga. Introductions jo jisme sari cheez honge VARC ke problems uske challenges uske jitne bhi part hain aur C se related VA se related in sari cheezon ko bare mein baat karenge. To aaiye इस चीजों को वन बाय वन करके समझते हैं. सबसे पहले हम अपने कंटेंट के बारे में बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे हैं. तो यहां पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस द वीएआरसी. उसके बाद वी विल जस्ट टॉक अबाउट द चैलेंजेस व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस. क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वीएआरसी में. फिर सर हम स्ट्रैटेजी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. सो आई जस्ट गिवन इन द थर्ड पॉइंट दैट इज स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव इंग्लिश. फोर्थ पॉइंट में है सोर्सेज ऑफ क्वेश्चंस इन कैट. सर कैट में कौन कौन से सोर्सेज से क्वेश्चंस आ सकते हैं और आते हैं तो इनके बारे में भी बात करेंगे. फिफ्थ पॉइंट है इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स फॉर द बिगनर्स. इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स इसलिए मैंने दिया है कि बहुत सारे लोग नॉवेल्स भी पढ़ते हैं और उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड को या फिर रीडिंग हैबिट को बनाना चाहते हैं तो नॉवेल्स वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. Now, sixth point है how to gear up your reading speed. This is the most important questions for those students who have just come through the Hindi background और वहां से आने के बाद उनके लिए English काफी ज्यादा important हो जाता है क्योंकि और problematic हो जाता है क्योंकि वो reading वैसी उनकी habit नहीं होती है और reading speed भी नहीं होती है जिसकी वजह से time तो कह लीजिए कि वो manage ही नहीं कर पाते हैं. तो ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे. सेवेंथ पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेरी होता है कि सर वोकैबुलरी को किस तरीके से इंप्रूव करते हैं. उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग जानकारी जरूर लेंगे. एंड एट एट पॉइंट हमारा है स्ट्रैटेजी फॉर कैट 2024 और इसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से 2024 के जो वीएआरसी का पोर्शन है उसके लिए हम लोग क्या तैयारी कर सकते हैं किस तरीके से हमें कौन कौन से चीजों को ऑप्ट करना चाहिए. तो ये हमारा आज का एट पॉइंट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इसको वन बाय वन करके समझते हैं. आइए इंट्रोडक्शन. सबसे पहले हम देंगे आपको इंट्रो ऑफ वीएआरसी. यहाँ पर दे रखा है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बच्चे नहीं जानते हैं कि लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आए थे और कंसेक्यूटिव थ्री ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या उनके टोटल नंबर्स है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं, डेटा बेस क्वेश्चन कैसे है, उसका डिविजन ऑफ क्वेश्चन क्या क्या है. तो यहाँ पर हम देखते हैं तो एक तरफ आप सेक्शन देख पा रहे होंगे. इस साइड में सेक्शन है एंड एक साइड में आपका डिटेल है. तो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट लास्ट ईयर में भी वही हुआ था जो 2024 में भी एक्सपेक्टेशंस है कि वैसा ही रहेगा. दैट आई जस्ट गिवन के टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चंस वुड बी 24 थे लास्ट ईयर भी और उससे भी पहले दो तीन साल से ये ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 19 यहाँ पे और टीटा बेस हमारे पास में 5 थे. टीटा बेस 5 टीटा होता है क्या, उसको टाइप करना पड़ता है. टाइप करने के आंसर्स होते हैं और वो आपको टाइप करना पड़ता है जो आपका ऑप्शन जो आपका आंसर्स है. राइट नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ द क्वेश्चंस किस तरीके से डिवीजन है. तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर देयर वुड बी द आरसी एंड वीए. आरसी मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वीए मींस वर्बल एबिलिटी. चार पैसेजेस होते हैं और चार पैसेजेस में चार चार क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, सारे क्वेश्चंस के मार्किंग भी मैंने मार्किंग स्कीम्स दे रखा है लास्ट में आप देख सकते हैं. तो टोटल यहाँ पे आरसी से जो क्वेश्चन होंगे वो 16 होंगे फ्रॉम द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द वीए पार्ट तो टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 8 होंगे. क्या उनका फ्रेगमेंटेशन होगा, तो 3 होंगे पैरा जंबल से, 3 होंगे पैरा समरी से, 2 ऑड वन आउट या फिर पैरा कंप्लीशन या फिर मिसलेनियस. मिसलेनियस कुछ भी दे सकता है, फिलर्स दे सकते हैं या फिर कुछ और. इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होगा वीएआरसी की बात करें तो अगर हम बात करते हैं वीए पार्ट में से तो पैरा जंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये आते हैं और अभी तक तो यही आ रहा है पैरा जंबल, ये हटता भी नहीं है उससे. पैरा समरी इंपॉर्टेंट है, पैरा कंप्लीशन इसकी भी तैयारी कीजिए, ऑड ऑन आउट ये भी इंपॉर्टेंट है, फिलर्स कुछ फिलर्स की तैयारी कर लीजिए वेदर इट इज सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स और मल्टीपल फिलर्स. एंड क्रिटिकल रीजनिंग ये होना चाहिए जिस तरीके से एजम्पशंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं या फिर इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसके लिए आपकी इसकी भी तैयारी होनी चाहिए ताकि आपको आसानी से क्रिटिकल रीजनिंग से भी क्वेश्चन आए हुए वो भी आपका सॉल्व हो जाए. नाउ इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द आरसी. आरसी में हम लोग देखते क्या है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारी चीजें हैं. अभी हम बात करेंगे आगे कि आरसी का अगर
एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें आरसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होगा कि आरसी में क्या क्या होता है, किस तरीके से हम लोग पांच सेगमेंट को हम लोग प्रेफर करते हैं, जिस तरीके से आरसी के पूरे कंटेंट है उस पर बात करेंगे, फिर क्वेश्चन है क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर आपको जो मल्टीपल चॉइस आंसर्स आते हैं उसको किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा। तो आरसी में हमें मेन आइडिया जानना होता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ दिस पैसेज जो राइटर ने लिखा है, एंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया दिस पैसेज, या फिर मेन आइडिया दिस पैसेज, ये सारी चीजें, ये मेन आइडिया इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानना जरूरी है कि किस तरीके से मेन आइडिया हम ढूंढते हैं पैसेज में से। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं, टोन होता है, एंड फैक्चुअल क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो दीज आर द मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज फार एज द आरसी इज कंसर्न्ड, राइट। नाउ अगर आप पूछते हैं कि सर मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरीके से मार्किंग होता है, तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि तीन मिलते हैं, 3+ पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं फॉर द राइट आंसर्स, एंड एक नेगेटिव होता है, कटता है मार्क्स रॉन्ग आंसर्स के लिए, ठीक है। और टीटा के लिए क्या होता है सर, तो देयर इज नो नेगेटिव फॉर द टीटा, राइट। टीटा के लिए यहाँ पे जो पांच क्वेश्चन है उसके लिए नेगेटिव नहीं है, तो टीटा को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ अटेम्प्ट करके उसमें टाइम गवाओ, यही मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आगे, तो समझेंगे इस चीज को कि किस तरीके से हर एक सेगमेंट में अलग अलग चीजों को ऑप्ट करते हैं और किस तरीके से हम मार्क्स अच्छा फेच कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शनल जो टाइमिंग होती है वो 40 मिनट्स होता है सभी के लिए, 40 मिनट्स बी ए आर सी एंड क्वांटिटी क्यू ए के लिए भी और एल आर डी ए के लिए, ठीक है। 40 40 40 तीनों के लिए मिनट्स होते हैं। तो यहां तक मैंने आपको इंट्रो दे दिया बी ए आर सी का कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कितने आते हैं, अभी तक तो यही आए हैं, और ये 2024 के लिए भी इसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है सारी जगह से प्रिपरेशन, और मैं भी इसी चीज को करवा रहा हूँ। हाँ, मैं इसमें बहुत सारे ऐसे, अभी हमारा जो 3-4 बैचेस चल रहे हैं कैट के लिए, तो उसमें सारे बच्चों को मैं बहुत सारी चीज और भी एडिशनल बता रहा हूँ, जो कि 10 एग्जामिनेशन पहले भी जिस चीजों को फॉलो कर रहा था बीए पार्ट में, उस चीजों को भी मैं बता रहा हूँ, बिकॉज कैट जो है अनएक्सपेक्टेड है कि कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, तो आप ये कह नहीं सकते हो कि इसी पैटर्न को फॉलो करेगा, बट अभी तक तो ये देखा जा रहा है कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो दो और चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला चीज के आपको इस पैटर्न को देख करके चलना है। हाँ, टीटा में हो सकता है कि आगे पीछे हो, 4 दे दे टीटा का क्वेश्चन, या फिर वो और बढ़ा दे, 6 कर सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें कोई आपको सोचने की बात नहीं है, क्योंकि टीटा आपको बढ़ाई या घटाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उसके बढ़ सकते भी है और घट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में 24 क्वेश्चन हैं और टाइम भी आपको 40 मिनट्स है, तो किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करोगे इसको हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेकेंड पॉइंट। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, चैलेंजेस वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन। भाई बहुत लोगों का ये होता है कि सर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर लाया है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं देख नहीं सकता हूँ, और व्हाट्सएप पे तो मुझे हर दिन दिल्ली मुंबई हर जगह से मुझे सारे स्टूडेंट्स लोग टेक्स्ट करते हैं और पूछते हैं कि सर किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। मैं क्या बोलूं उनको, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो सारे स्टूडेंट्स में कॉमन है, उस चीजों के लिए वो चीज तो एकदम बिल्कुल बताना ही चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने लिखा है, क्वेश्चन आता है कि सर पढ़ने का मन नहीं करता है, सर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं पढ़ता हूँ और पीछे वाला लाइन भूल जाता हूँ कि क्या पढ़ा है। तो इन सब सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन क्या है, आइए देखते हैं। तो यहां पर मैंने दे रखा है, सबसे पहला है कि लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये जिसको हम लोग डिस्टॉर्शन बोलते हैं। डिस्टॉर्शन मतलब कि आप भटक जाते हैं सर, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको आरसी में एलिमिनेशन के वक्त में हम आरसी सॉल्व करने वक्त ये बताएंगे, ये डिस्टॉर्शन वर्ड है क्या। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ते 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 आप पीछे का जो आप पहले पढ़ा है वो चीजें आप भूल चुके हो, और अभी आपका फोकस टोटली वहीं पर है जिस लाइन पे है, या फिर हो भी सकता है कि वो पूरा मिस हो जाए, और मिस होने के कारण ये आप कंसंट्रेशन ही पूरा कंसंट्रेशन खत्म, आप पूरा भूल चुके हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसका कारण क्या है इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन ये सबसे कॉमन जिसको बोल सकते हैं कि ये हर्डल है, प्रॉब्लम है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। देखो, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अगर हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए, आप डिस्टॉर्शन से क्या कर सकते हो। पहला चीज, रीडिंग एक पाप है आपके आरसी के लिए, अगर आप आरसी को फिर से दोबारा पढ़ रहे हो तो मतलब कि आप टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे।
लॉस ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब क्या क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से देख सकते हैं। पहला कि आप जिस टॉपिक को उठाया है उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी आपको पता नहीं है। अगर आपके पास में 4 RC आए हैं एग्जामिनेशन में, तो आपका पहले से कोई भी ऐसा फेवरेट जोन ही नहीं रहा है जो वहां पे मैच किया है, राइट? या आपको बताया ही नहीं गया है कि कौन सा आपका फेवरेट जोन होना चाहिए। किस तरीके से आप अपने फेवरेट जोन को सिलेक्ट कर करके उस पर काम कर करके जब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस या आरसीज आपके पास में आते हैं, तो वो आपका एक फेवरेट जोन है जिसमें आपको मन लगता है पढ़ने में, इसलिए वहां पे कंसंट्रेशन भंग होने का कोई बात ही नहीं है। तो पॉइंट नंबर वन कि आपको आरसी जब से आप तैयारी कर रहे हो, इसीलिए मैं सारे अपने स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि देखो आरसी अगर स्टार्ट कर रहे हो या पढ़ना, अगर उस चीजों पे तुम लगे हुए हो, तो आरसी आपका एक फेवरेट कुछ फेवरेट जोन होने चाहिए। जैसे कि आपको फिलोसफी अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता है, राइट? आपको नेचर बेस्ड आरसी, क्योंकि आपका कैटेगरी से अभी नहीं पता है कि आरसी कितने टाइप के होते हैं और किस किस कैटेगरी से आते हैं, क्या क्या जोन होता है आरसी का। तो साइंस बेस्ड अगर आरसीज है तो उसमें क्या क्या जोन होते हैं, सोशल साइंस में क्या हो सकता है, बिजनेस बेस्ड पैसेज आरसी में क्या होता है। तो आपको पहले सेलेक्ट कराना होगा कि ये सारे जोन आपके फेवरेट जोन है या नहीं। जैसे कि एनिमल बेस्ड हो गया है या नेचर बेस्ड हो गया, तो नेचर बेस्ड आरसीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बहुत सारे आपको आप देखे होंगे कि सारे दो तीन तीन स्लॉट्स में आपको नेचर बेस्ड में से, एनिमल में से, ये या फिलोसफी में से ये सारे पैसेज आरसीज आते हैं। तो आपका भी कुछ फेवरेट एक जोन होना चाहिए जिसको आप शुरू से लेकर के, क्योंकि अगर उसमें आपने टाइम नहीं दिया है तो आपका फेवरेट हो ही नहीं सकता है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग के टाइम में ही हम अगर इस चीजों को चाहे तो आप आराम से कर सकते हो कि नहीं, ये मेरा फेवरेट जोन है, मैं फिलोसफी पढ़ूंगा या फिर मैं नेचर बेस्ड ही पढ़ूंगा। तो इस चीजों से आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन अगर पढ़ते हो तो इसमें एक आइडिया बन जाता है कि किस तरीके से राइटर लिखता है नेचर बेस्ड आरसी को, या फिर वो राइटर फिलोसफी बेस्ड कैसे लिखता है। ठीक है, फिलोसफी कहाँ से स्टार्टिंग होती है, राइट? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए ताकि आपका कंसंट्रेशन आपका खराब ना हो, इसके लिए आपका फेवरेट जोन होना चाहिए। अगर आप आरसी अटेम्प्ट कर रहे हो तो आरसी अटेम्प्ट करने से पहले आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके कुछ आरसी, कुछ पैसेजेस, कुछ ऐसे कंटेंट जो कि आपके फेवरेट जोन में हो। सपोज आपने नेचर बेस्ड आरसी आपका काफी फेवरेट है, या फिर आप फिलॉसफी को अटेम्प्ट करते हो, या फिर आपके एनिमल बेस्ड है, या फिर आप बिजनेस इकोनॉमी आप अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप अगर अपने फेवरेट जोन को नहीं बनाओगे तो बहुत जगह सोर्सेज ऑफ जो पैसेजेस होते हैं या फिर कंटेंट होते हैं या टॉपिक्स होता है, तो वहां से आप बहुत सारे सोर्सेज में इन्वॉल्व हो जाओगे, अब पजल्ड हो जाओगे कि कौन से सोर्सेज, कौन से टॉपिक जो है आपके लिए फेवरेट है और कौन सा फेवरेट नहीं है। क्योंकि सबको आप अगर पैरेलल तरीके से पढ़ते हो तो इसमें आपका कोई एक एक्सपर्टीज नहीं होता है। तो आप एक काम करोगे कि आपका फेवरेट जोन होना चाहिए कहीं भी कोई भी सोर्सेज हो, और जिसमें टॉपिक अगर एनिमल बेस्ड दिया है या फिर आपको नेचर बेस्ड है या फिलॉसफी है या इकोनॉमी है या साइंस है, बायो है, कुछ भी है, तो आपका 3 से 4 ऐसे जोन होने चाहिए, 3 से 4 ऐसा फेवरेट जोन होना चाहिए जहां से आप एक कंफर्ट जोन क्रिएट करो और उसके वोकैबुलरी से आप ज्यादातर फैमिलियर हो जाओ, उसके कंटेंट से फैमिलियर हो जाओ और उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हो। तो इसलिए तभी जा करके आपका अगर 4 RC में से आपके जो कैट में पूछे जा रहे हैं उसमें से एक दो भी ऐसे आरसी आते हैं जो आपके फेवरेट जोन से होते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस भी होगा, उसके वर्ड से फैमिलियर भी होगे, उसके कंटेंट से भी फैमिलियर होगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्योंकि आप एग्जाम्स में अटेम्प्ट करने से पहले कुछ भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं किया होता है कि आपके आरसी या आपके टॉपिक भी कुछ फेवरेट टॉपिक्स हो सकते हैं। क्योंकि आप जो भी पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हो, जहां से भी सोर्सेज की से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सबको एक ही पैरेलल में रख रहे हो, आपका कोई फेवरेट नहीं है, कोई ऐसा टफ जोन नहीं है, आप सबको एक पैरेलल में रख रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 4 के 4 RC को अटेम्प्ट वहां पर करने का, एक तो मैं कहता हूं कि हो सकता है लेकिन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ही आपका बहुत ही कम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से ही आ जाता है, तो उस ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको 99% अगर लानी है तो उसमें कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट का एग्जाम्स है और इसमें टाइम मैनेजमेंट से लेकर के सारे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पहले तो ये भी देखना पड़ेगा कि मुझे छोड़ना कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही नहीं चले जाएंगे कि हाँ बिल्कुल आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ही करना है, नो।
नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट, द कंफ्यूजन बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस, ये सबके साथ होता है, ये बहुत ज्यादा। दूसरा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया कि सर मल्टीपल जो ऑप्शंस होते हैं उसमें हमको कंफ्यूजन होता है, मीन्स हेजिटेशन है उसमें, भाई कौन सा होना चाहिए, इससे घबराहट हो रही है। इसमें क्या है कि भाई कंसंट्रेशन नहीं होने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। हेजिटेशन कब हो रहा है, क्योंकि आपने पैसेज को समझा ही नहीं है, और पैसेज को नहीं समझा, क्वेश्चन भी नहीं समझा, और उसके बाद में ऑप्शंस को भी रीड किया वो भी नहीं समझ में आया। तो ये तो एकदम जाहिर सी बात है कि ये एक सिर्फ और सिर्फ आपका मल्टीपल ऑप्शन समझ में नहीं आना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, आपको पैसेज भी समझ में नहीं आए और दूसरा क्वेश्चंस भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस आखिर पूछ क्या रहा है। अदरवाइज अगर ये सीक्वेंस में सब समझ में आएंगे तो आपके ऑप्शंस को सिलेक्ट करने में बिल्कुल भी नहीं होगा। और हाँ, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको उसमें से एलिमिनेशन करना आना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग आरसी में पढ़ाते हैं कि जो कॉमन रॉन्ग आंसर चॉइसेस है उसको हम किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, जैसे आउट ऑफ स्कोप होता है, तो ये आउट ऑफ स्कोप है क्या और किस तरीके से इसको किया जा सकता है, डिस्टॉर्शन कैसे होते हैं, या आपको एक्सट्रीम जो डिटेल्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका ऑप्शंस होता है उसको किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, बहुत सारे ऑपोजिट किस तरीके से होता है। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम उसको एलिमिनेट करते हैं। आपको एलिमिनेशन नहीं आता है इसलिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है। तीसरा चीज क्या है, कुडंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन टाइम, व्हाई, क्योंकि रीडिंग स्पीड भी आपकी अच्छी नहीं होने की वजह से ही ये क्वेश्चन समय पे नहीं हो सकता है, बहुत सारे और भी आंसर्स हो सकते हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ कुडंट अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आने वाला ऊपर में है, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में है, आप समझने के बाद नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपकी रीडिंग स्पीड कम है, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने पूछा और यहाँ पे मैंने डिस्कस करना उचित समझा। नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द कंफ्यूजन इन सिलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे है कि सर ये वाला जो पॉइंट है, कंफ्यूजन इन सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, कंफ्यूजन इन एलिमिनेशन एंड कंफ्यूजन बिटवीन टू, ये सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूजन वाली बात है, कंफ्यूजन होता है मुझे क्वेश्चंस को ही सिलेक्ट करने। सबसे पहला चीज तो यही है कि भाई आप ये देखो ना कि आपको क्वेश्चंस कौन सा सिलेक्ट करना है, मतलब कि आपको पैसेज में से कौन सा पैसेज सिलेक्ट करना है, या वीए पार्ट में से कौन से वीए पार्ट, जैसे कि पैरा जंबल है या फिर ऑड वन आउट है या पैरा समरी है, अगर आपको तीनों नहीं बनने हैं तो आपको पढ़ने की जरूरत है, राइट। हाँ, उसमें से आप अगर सिलेक्ट कर पा रहे हो कि ये मेरा स्ट्रांग पोर्शन है, ये बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर अगर उसके बावजूद नहीं बन रहा है तो मतलब कि कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन को ही सिलेक्ट करने में, कि मेरे पास में कंफ्यूजन कब होगी, जब आपका तीनों पार्ट स्ट्रांग है, वीए पार्ट वीए में आपको पैरा जंबल भी स्ट्रांग है, पैरा समरी भी है, ऑड वन आउट भी है, ये तीनों आ गए हैं, तो आप सोच रहे हो कि यार टाइम भी नहीं है और कौन सा जल्दी करना चाहिए, इसको भी आपको पॉइंट में रखना चाहिए कि कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ यू आर वेल वर्स्ड और यू आर एक्सपर्ट इन दैट एरिया, दैट्स व्हाई यू आर जस्ट गेटिंग कंफ्यूजन, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है इस बेसिस पे कि आप कौन सा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे क्योंकि कोई नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन नहीं, वहां पे पढ़ने की जरूरत है, पहले आप पढ़ लोगे तब फिर कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन इन एलिमिनेशन बिल्कुल सही है, एलिमिनेशन राउंड हम लोग देखते हैं पैसेज में भी और वीए पार्ट में भी और पैरा जंबल में भी किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस चीजों को क्लास में बिल्कुल मैं बताता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से हम एलिमिनेट करते हैं। कंफ्यूजन बिटवीन टू एग्जैक्टली सभी के साथ में होता है कि दो के बीच में वो अटक जाते हैं, सर मैंने ऑप्शन देखा, चार ऑप्शन दिए हुए थे ए बी सी डी, अब इन दोनों में से दो को एलिमिनेट कर लिया लेकिन ये दो में कंफ्यूजन हो रहा है, ये भी बहुत ज्यादा, अब वहां पर वो दोनों देख रहे हैं कि दोनों में सिमिलरिटी है, मतलब क्या है कि क्वेश्चंस को डील करना, मतलब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसमें कंफ्यूजन है, और इसमें काफी ज्यादा क्लोज कनेक्शन होगा, काफी क्लोज कनेक्शन होंगे जिसकी वजह से आपके पास में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो क्लोज कनेक्शंस को भी रिमूव किया जा सकता है और जाता है, इस चीजों के लिए आपको बिल्कुल ट्रेन किया जाएगा इन सारी चीजों को बताने के लिए कि किस तरीके से क्लोज कनेक्शंस को भी हम लोग एलिमिनेट करते हैं, बहुत ही आसान होता है लेकिन नहीं जानने की वजह से ऐसे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आइए तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी टू इंप्रूव इंग्लिश, किस तरीके से हमारा इंग्लिश इंप्रूव हो जाए, ये भी आपके पास में क्वेश्चन, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ये पूछते हैं कि भाई आप हमको स्ट्रैटेजी बताइए किस तरीके से इंप्रूव करें ये सारे प्रॉब्लम, तो पहले हमने चैलेंजेस बताया कि ये सारे चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करना पड़ता है, और स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है अगर ये चैलेंजेस को ओवरकम करना हो तो, यस एग्जैक्टली कम टू द पॉइंट।
यहां पर मैंने दे रखा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस, और कोई नॉवेल्स को भी आप उठा लो, जिसको आप लोग डिसिप्लिन मानते हैं। आप जानते होंगे कि डिसिप्लिन और मोटिवेशंस में क्या फर्क है। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द मोटिवेशंस, तो मोटिवेशन का ग्राफ ऐसे बनता है, ये जाएगा ऊपर एंड देन आई डाउन, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, 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 अप, इट इस टाइप से। बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन ये है, सेम आपको रूटीन्स को फॉलो करता है। तो मैं कहूंगा कि जिस तरीके से स्कूल कॉलेजेस में एक डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, उसी तरीके से आप घर पे भी या इंस्टीट्यूट में भी उस डिसिप्लिन को अपने स्टडी के लिए भी डिसिप्लिन बना लो। न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे 1 घंटा कम से कम पढ़ो, या ये डिसिप्लिन। ये ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में 3-4 न्यूज़पेपर को खत्म करोगे और दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं करोगे। नो, नॉट एट ऑल। ऐसा अगर कर रहे हो तो आप एक दिन मोटिवेट होते हो, दूसरे दिन बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप नॉवेल्स या न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, नॉवेल्स को आप रात में सोते वक्त भी देख लो, बेटर होगा आपके लिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा है। पहला, न्यूज़पेपर से तो कंटेंट आपका स्ट्रांग होगा, जीके भी स्ट्रांग होगा। जीके इसलिए क्योंकि जब आपकी इंटरव्यू वगैरह होती है या जीडी होता है, तो उसमें काफी मदद करता है आप ये सारे इंफॉर्मेशन, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग ओवर देयर। नॉवेल्स आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देते हैं और आपको रीडिंग हैबिट अच्छे से अच्छा। नॉवेल्स, मैंने नॉवेल्स के लिए भी आगे बता रखा है, आप देख लेना नॉवेल्स, नॉवेल्स भी कौन कौन से पढ़ने चाहिए आपको। तो ये डिसिप्लिन एक मेंटेन करो न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स का। दूसरा है कि लिखना सीखो, राइट राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ योर फेवरेट टॉपिक्स। देखो यार, मैं बार बार ये चीज क्यों कह रहा हूं कि आपको फेवरेट टॉपिक्स पर को ग्रैब करना चाहिए। फेवरेट टॉपिक्स रीड भी करो, फेवरेट टॉपिक्स के बारे में लिखो भी। मैं आपको फेवरेट टॉपिक्स के बारे में भी अपने आरसी के क्लास में बता रहा हूं, बताने चाह रहा हूं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन योर फेवरेट टॉपिक। इससे क्रिएटिव आप में के माइंड में आएगा किस तरीके से कोई पैसेज लिखा जाता है और क्या क्या सोच होती है उसके बारे में भी। वोकैबुलरी बिल्डिंग करो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं कि किस तरीके से कर सकते हैं। तो देयर आर सेवरल वेज, जिसमें से एक वे है कि उसको एग्जीक्यूट करो भाई, डे टू डे कॉन्वर्सेशन में उसको यूज करो, राइट। तभी आप वोकैबुलरी को फील कर पाओगे, समझ पाओगे। और हिंदी में ही बोल रहे हो तो हिंदी में उस वोकैबुलरी का यूज करो, ताकि आपको वो याद रहे। आप याद करते हो बट नहीं याद होता है। बट इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे डील कर रहा हूं और बता भी रहा हूं कि किस तरीके से आप इस सारी चीजों को इनहेंस कर सकते हो। तो वोकैबुलरी अपने लाइफ में यूज करो, अदरवाइज हम पिक्चर बेस्ड वोकैबुलरी क्लास में अपने करवाते हैं, और वोकैबुलरी का नोट्स भी देते हैं, वोकैबुलरी से रिलेटेड जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है सारी चीजों को बताते हैं। और अपने क्लास में मिनिमम 5,000 वर्ड्स ये कंप्लीट करा देते हैं, जो कैट के लिए और आरसी में और बहुत सारे सेक्शंस में पूछे जाने वाले वर्ड्स होते हैं। तो इफ यू जस्ट फॉलो दीज, आई मीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, कि ये सारी चीजों को आप फॉलो कर रहे हो, तो योर लेवल जो आपका जो 0 लेवल है, यू कैन जस्ट रीच द कैट लेवल। आप कैट लेवल पे पहुंच सकते हो। तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, सोर्सेज ऑफ द कैट क्वेश्चंस। भैया कैट में कौन कौन से सोर्सेज से क्वेश्चंस आती है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज है, मैंने यहाँ पे नोट में दे रखा है, दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द वीआरसी फॉर कैट 2024। इफ एनीवन वांट्स टू रीड नॉवेल्स और एनी अदर सोर्सेज, दे कैन जस्ट चूज, राइट। तो भाई ये सब सारे आपके सोर्सेज हैं। क्या क्या सोर्सेज हैं, लेट्स वी स्टार्ट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे, आई जस्ट गिवन न्यूज़पेपर, यहाँ पर ये न्यूज़पेपर का सोर्सेज है, राइट। तो न्यूज़पेपर में कौन से न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स इंपॉर्टेंट है, द हिंदू इंपॉर्टेंट है। अब हिंदू में से क्या क्या स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, वोकैबुलरी, द हिंदू का वोकैबुलरी आप उठाइए, इंपॉर्टेंट होता है, और उसके एडिटोरियल को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप करिए। ये आप मॉर्निंग में ऑल्टरनेट डेज बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब तो आपके ई न्यूज़पेपर भी आते हैं, आप डाउनलोड कीजिए, उस चीजों को देखिए, फ्री में आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कीजिए, उसमें हर दिन आपको द हिंदू और इकोनॉमिक टाइम्स को मैं पुट करता हूं। उसके बाद बात करते हैं वर्ड के लिए क्या करना चाहिए। तो वर्ड पावर मेड इजी एक आप परचेज कर लीजिए, इसकी भी पीडीएफ है मेरे पास में। इफ यू जस्ट वांटेड टू ग्रैब दिस वंस, आई जस्ट डेफिनेटली सेंड यू, टेलीग्राम चैनल पे वो अवेलेबल है। सो वर्ड पावर मेड इजी,
से वोकैबुलरी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को 5000 वर्ड्स कैट का जो लेवल होता है उसके लिए मोर देन 5000, जिसमें रूट वर्ड्स से लेकर के आपको साइनोएंटो और फ्रेजल वर्ब्स, ई टर्म्स, ये सारी चीज मैं अपने क्लास में करवाता हूँ। नाउ अब मॉक्स की अगर मैं बात करूं कि आप मॉक्स कहाँ से दे सकते हैं, विच वुड बी द बेस्ट मॉक्स, और काफी कम पैसे में आप मॉक्स को अवेल कर सकते हैं। सो यू जस्ट गो फॉर द कनेक्ट टू माइंड्स, ये मेरा ही चैनल है, इस पर आप जाओ, कनेक्ट टू माइंड्स, इसके एप्लीकेशन भी है, ऐप भी है, वहां से ऐप डाउनलोड करो, और ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां से ही आप सारे जो फ्री मॉक्स है या डेली बेसिस पे जो क्विज आ रहा है उस सारे चीजों को फ्रीली अटेंड करो। एंड इफ यू जस्ट वांटेड टू गो फॉर द सेक्शनल और मॉक्स और प्रीवियस ईयर्स, तो आपको एक नॉमिनल सा प्राइस देने को पड़ता है, वहां पे आप उस प्राइस को पे करके उन सारी चीज को अवेल कर सकते हो। नाउ इफ यू जस्ट टॉक अबाउट के कौन कौन से स्टडी बुक्स मटेरियल्स लेने चाहिए, सो आई प्रोवाइड यू, मेरा ही एक कंपनी है प्रोजोन एडुकेट, और इसी में हम लोग इस कंपनी के सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं जो कि 13 ईयर्स से इस फील्ड में, इसी जोन में काम कर रहा है, जहां पर हर एक चीज को अपग्रेड कर करके, अगर आप बात करोगे कि इसमें पैसेजेस हैं या फिर पैराजम्बल है, प्रीवियस ईयर से लेकर के अभी तक जितने भी चेंजेस आए उन सारी चीजों के बारे में उसमें आपको प्रोजोन एडुकेट के मटेरियल्स में आपको मिलेगा देखने को। नाउ अब इम्पोर्टेंट आपके लिए साइट्स कौन कौन सी है, ऑनलाइन साइट्स जहां पे आप बहुत सारे पैसेज वगैरह कर सकते हो, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है द गार्डियन है, इयोन है और अर्ल डेली है। देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट साइट्स मैं बता रहा हूँ जिससे कि पैसेज वगैरह आरसी या पैरा जंबल में से क्वेश्चंस आते हैं। इयोन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें से फिलोसफिकल जो आरसी है पूछे जाते हैं। अर्ल डेली में से भी आपको जो नेचर या फिर इकोनॉमिक बेस्ड आरसी होते हैं वो पूछे जाते हैं। गार्डियन भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, लेकिन इन तीनों को मिला करके जो पैसेज तैयार किया जाता है जहां से क्वेश्चन आंसर होते हैं वो आपको प्रोजोन एडुकेट के मटेरियल में डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सारे आपके सोर्सेज हैं जहां से कैट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, गार्डियन है, योन है, अर्ल डेली है, कनेक्ट टू माइंड्स के जो मॉक्स है वो है, इकोनॉमिक टाइम्स है, द हिंदू है, इसमें से एडिटोरियल है, वर्ड पावर मेड इजी, विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन। राइट, आगे बढ़ते हैं। Now, if we just talk about the novels for the cat, not cat, but ये एक रीडिंग हैबिट भी बनाता है, इसके लिए इम्पोर्टेंट ये सारे नॉवेल्स हैं। आप बिगनर हो तो ये सारे नॉवेल्स को आप अटेंड करो, ये देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें से द विंची कोड आप जानते ही होंगे, डैन ब्राउन का ये लिखा हुआ है, ऑथर है ये, लॉर्ड ऑफ द फाइल्स या विलियम गोल्डिंग जो है ये पढ़ लो आप, एंड पैलेस ऑफ एल्यूशन ये पढ़ लो, ये सब सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये सब सब पढ़ लिया है, इंटरमीडिएट लेवल पे आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे सारे बुक्स हैं, ये इसके लिए जाओ, यहाँ पे देख लो नॉवेल्स हैं। इफ यू आर वेरी मच एक्सपर्ट, सो एक्सपर्ट लेवल इज देयर, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पढ़ लो, अरुंधति राय का है, या फिर वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय का है, ये सब सारे, अनस्टॉपेबल बॉय विक्रम सेठ, ये इंपॉर्टेंट है और एक्सपर्ट लेवल के हैं। तो अगर आप अपने एनालाइज करो कि हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो यू मस्ट गो फॉर दीज बुक्स, आई मीन विच कम्स अंडर बिगनर लेवल, एंड इफ यू हैव ऑलरेडी यू नो लर्न और यू हैव जस्ट हर्ड समवेयर एल्स कि हाँ ये सारे चीजें होते हैं और उसके बारे में पता है स्टोरीज एंड ऑल, तो आप इंटरमीडिएट लेवल को ये करो, एंड इफ यू हैव जस्ट गॉन थ्रू ऑल दोज यू नो बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल, सो यू जस्ट गो फॉर एक्सपर्ट लेवल। सो दीज आर द नॉवेल्स, इंपॉर्टेंट नॉवेल्स फॉर योर प्रिपरेशंस। राइट, चलिए अब बात करते हैं हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्पीड, रीडिंग स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये से भी आते हैं, तो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल तो नहीं बता पाऊंगा, प्रैक्टिकल हमारे क्लास में बिल्कुल होता है कि हाउ टू इंप्रूव रीडिंग स्पीड्स, और उसके लिए मैं प्रैक्टिस भी कराता हूँ, 2 वीक का ये क्लासेस चलता है हमारे उसी क्लास में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं शेयर करूंगा यहाँ पे। पहला है शिफ्टिंग ऑफ योर आईज, देखो अपने आईज को जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हो ना, तो आई जिस पर पढ़ रहा है, शिफ्टिंग मैंने पढ़ा शिफ्टिंग, तो ये शिफ्टिंग को जब मेरा आई पहुंचा रहा था माइंड तक, तो उससे उसके पहुंचाने से पहले मैंने अपने आई को शिफ्ट कर दिया ऑफ पर। राइट, तो इसमें अगर आपका है कि आप शिफ्टिंग के वक्त में स्टक हो शिफ्टिंग पे ही आई और माइंड दोनों, तो आपकी रीडिंग स्पीड स्लो हो जाएगी।
लेकिन आप जैसे ही उसको माइंड तक रीच किया, आपकी आंख ऑफ पर चली गई, ऑफ जैसे ही पहुंचने वाला है उससे पहले आपकी आईज योर पे चली गई। तो ये शिफ्टिंग ऑफ आईज को थोड़ा सा बैलेंस करो और तेज करो। हाँ, ऐसा तेज मत करना ताकि आपको रुकना पड़ जाए, आप में एक स्मूथनेस आना चाहिए। पहले प्रैक्टिस स्लोली करो और स्मूथनेस के साथ करो। जैसे आप ऐसे मत पढ़ो शिफ्टिंग ऑफ योर आईज, ऐसे नहीं पढ़ना है, आप आराम से पढ़ो शिफ्टिंग ऑफ योर आईज। पहले हम लोग डिक्टेट स्कूल में इसी तरीके से कराते थे, यूज योर वोकैबुलरी इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन एंड पोम्स वगैरह। ये काफी हेल्पफुल होता था जब हम लोग रीड करते थे और रीडिंग यार डालते थे तो हमारी रीडिंग स्पीड को बढ़ाने में, क्योंकि वहां पे हम लोग एक रिदम में पढ़ते हैं। तो शिफ्टिंग ऑफ योर आईज, रीड योर फेवरेट जोन। मैंने क्या बताया कि अपने फेवरेट जोन में रहोगे काफी मदद मिलेगा तुमको। अगर आप अपने फेवरेट जोन का नहीं पढ़ रहे हो, आपको रिलक्टेंसी होगी, आपके रीडिंग में रिजेस एंड ग्रूव्स आएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, राइट? तो ये सारी चीजों से बचना पड़ेगा आपको। तो फेवरेट जोन अगर आपका है, जैसे कि आपने एनिमल में सारे इंफॉर्मेशन लेना स्टार्ट कर दिया है, आपको एनिमल के अच्छे लग रहे हैं, फिलोसफी बेस्ड आपको अच्छा लग रहा है, तो ये सारा चीज आपको अपने रीडिंग के जरिए ऑप्ट करना पड़ेगा। ये चीजों को अपने रीडिंग हैबिट में लानी पड़ेगी। तो फेवरेट जोन बना लो, यूज योर वोकैबुलरी इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशन। एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ यू आर नॉट यूजिंग योर वोकैबुलरी इन डे टू डे कॉन्वर्सेशन मींस यू आर एब्सटेनिंग फ्रॉम दीज ऑल, राइट? आप उन सारे चीजों से हट रहे हो, दूर हो रहे हो, तो इस चीजों को ग्रैप करो। अगर वोकैबुलरी आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपको लगता है कि मेरी वोकैबुलरी कमजोर है और इसको इनहांस करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको सारे वोकैबुलरी को यू मस्ट यूज इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस। नाउ द फोर्थ पॉइंट, रीड विथ लिटिल साउंड। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वंस दैट आई एम जस्ट रीडिंग समथिंग एंड माई रीडिंग इज नॉट अप टू द लेवल, आपको रीड करना चाहिए साउंड के साथ में, ताकि आपके एक और ऑर्गन्स उस चीजों में इन्वॉल्व हो जाए, राइट? वो एक अपना बैलेंस बना लेते हैं। बैलेंस बनाने के बाद आपकी रीडिंग स्ट्रांग होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीड रीड एंड रीड। ये चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस लास्ट में मैं यही बताता हूँ कि देखो, जितनी रीड करोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी। काफी ज्यादा लोगों का ये क्वेश्चन होता है, सर समझ में नहीं आता है, रीड पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं या फिर पढ़ने का मन नहीं करता है। भाई रीडिंग हैबिट तो डालो ना, भाते नहीं हो, एक रीड करते हो बोर हो गया छोड़ दिया, इसके लिए आपको वही रिग्रेसली उस चीजों को करते रहना पड़ेगा, अदरवाइज नथिंग कैन हैपन विद यू गाइस। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग जाते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव पे, एंड विच आई एम जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वीआरसी बैच। 11 मार्च से हम लोगों का एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, 9 PM पे, 9 बजे से, राइट? ये फाउंडेशन बैच है 2024 एग्जामिनेशन के लिए। और जिस जो आप देख सकते हो कनेक्ट टू माइंड्स प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आप जाओ वहां से साइट, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करो या फिर डायरेक्ट जाओ www.connecttominds.com, वहां से भी आप देख सकते हो और क्लासेस अवेल कर सकते हो। तो रिकॉर्डिंग क्लासेस भी होती है उसमें, सारा चीज है, आप देख सकते हो व्हाट यू जस्ट गेट, आप क्या पाते हैं। तो 100+ ऑनलाइन क्लासेस मैं दूंगा आपको पूरे के पूरे आप 2024 के लिए। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, जहां से भी आप कोचिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, ओके, फाइन, लेकिन कोचिंग का जो पैटर्न होता है वो कैट लेवल का होता है, लेकिन हमारा जो पैटर्न है ना, हमारा पैटर्न कैट लेवल से बहुत ही ज्यादा कम है। जैसा कि बीइंग ए बिहार के स्टूडेंट्स या फिर यूपी स्टूडेंट्स, वहां पे इंग्लिश का उतना क्रेज नहीं है और ना ही वो बोली जाती है, लेकिन कैट का लेवल अपना वो आपके अकॉर्डिंग नहीं घटेगा, वो अपने लेवल्स को मेंटेन करता है और आगे ही बढ़ाता है, लेकिन हमारा यहाँ लेवल घटता जाता है, घटता जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आप जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हो उस कोचिंग का फंडा क्या होता है कि आपको 1 से 2 दिन वीक में वीआरसी की क्लासेस लगती है, और 2 दिन में कुछ ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। आप 2 दिन का मान लो कि अगर 2 दिन क्लासेस लगती है वीक में, तो मंथ में आपकी 8 क्लासेस लगती है, और पूरे के पूरे साल में 6 से 7 महीना ही की पढ़ाई होती है, बाकी छुट्टियां होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, संडे होता है, पूरा का पूरा होता है। तो आप सोच लो कि अगर 6 महीना भी आपका हो रहा है और 8 क्लासेस एक मंथ में है, तो आपको 48 क्लासेस होती है, तो 48 to 50 क्लासेस में आप कैट का लेवल को पढ़ सकते हो, लेकिन आपका जो लूप होल्स है, जो बेसिक जहां से हिला हुआ है, जहां से हम लोगों को तैयारी नहीं कराई गई है, जहां से आप कैट भी करते हो तो वहां पे टीचर्स की गलती नहीं है, वो अपनी तैयारी कैट के लेवल का करा रहा है, आपने अपना एक्सप्लोर नहीं किया कि आपका लेवल क्या है। तो इस चीजों को जानते हुए मैंने एक क्लासेस स्टार्ट किया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कैट तो देना चाहते हैं
लेकिन उनका वीए पार्ट, वीए आरसी पार्ट काफी ज्यादा गड़बड़ है, और वो अपना स्ट्रांग करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, वो पैसे दे करके भी वहां पे इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग क्लास नहीं चलती है। क्लास वही पैटर्न, वही शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेगी जो वहां का पैटर्न है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम्स को मैंने समझा है, और इस प्रॉब्लम्स के ही जरिए मैंने अपने क्लासेस को लॉन्च किया है। दूसरा फैक्टर, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, ऐसे ऐसे क्लासेस होती है एक साल की, वहां पर लोग बच्चे पैसा दे करके फंस जाते हैं। अब उनके पास में पैसा होता नहीं है, तो आई जस्ट स्टार्टेड टू वेज कि आप वन टाइम यहाँ पे पेमेंट कर लो, जो कि पूरे साल भर के लिए होगा 1499, 1499, या फिर आप 299 में पर मंथ आप इस चीजों को करो। तो 299 उनके एक पॉकेट के खर्च भी नहीं होती है, वो इस तरीके से उड़ा देते हैं। लेकिन अगर जो सीरियस कैंडिडेट होगा, वो चाहता है कि हमको वीएआरसी स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो डेफिनेटली इस क्लास को ज्वाइन करेगा। क्या मिलेगा इस क्लास में? 100+ ऑनलाइन क्लासेस आपको अवेल दिया जाएगा, आप अवेल कर सकते हो। 200+ में हम स्टडी नोट्स, मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। 100+ डिस्क्रिप्टिव मॉक्स होंगे, आपको मॉक्स उसमें मिलेगा। वीकली टेस्ट, बिल्कुल सैटरडे एंड संडे के दिन वीकली टेस्ट होगा। आपको कनेक्ट टू माइंड्स में आपको अभी प्रैक्टिकली लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो काम करता है। 1,000, 10,000 यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, 150 चैप्टर टेस्ट है, 75 सेक्शनल टेस्ट है, मॉक्स विद डिस्कशंस लाइव दिया जाएगा। यहाँ पे हम लोग मॉक्स लाइव लगाते हैं। 10 इंडिविजुअल सेशंस होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको बिल्कुल भी मिलेगा। आई जस्ट सी यू एंड फ्री कम्युनिकेशन, जो स्पोकन जीडी एंड पीआई के लिए सेशन होते हैं, डेफिनेटली मैं उस चीजों को करवाता हूँ। सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आप लोग भी आइए, ज्वाइन कीजिए इस बैचेस को, और सारे लोग जितने भी वीआरसी के प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। तो एक बार आप लोगों को बिल्कुल जरूर आना चाहिए। मैं थोड़ा सा कनेक्ट टू माइंड्स के बारे में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ ये कनेक्ट टू माइंड्स, आप दोनों को स्कैन कर कर से, एक को स्कैन करेंगे तो प्ले स्टोर पे जाएंगे, दूसरे को स्कैन करेंगे तो आप वो पोर्टल पे जाते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट के सारे जितने भी कैट, इरमा सैट और स्नैपजैट जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं, उन सारे के बारे में हम लोग प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं। और सिर्फ कैट का ही नहीं, सारे का मॉक्स या सेक्शनल या प्रीवियस ईयर लगाते हैं, उनमें से वीएआरसी पार्ट हमारा होता है, आप उस पे से क्वांट भी देख सकते हैं, आप उसमें आप एलआरडीए भी देख सकते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग भी देख सकते हैं, करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पर दिया जाता है। और जितने भी एग्जामिनेशन है ये उसी का पोर्टल है, आप देख लो, मैनेजमेंट का ही पोर्टल है, जिसमें कैट है, सैट सैट का दिया हुआ है, एंड आईएफटी भी है, इनमैट भी है, एमबीए चैप्टर वाइज टेस्ट है, एमबीए जीके है, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड मैट के लिए है, जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन सारे का मॉक से लेके सारे सेक्शनल्स एंड प्रीवियस ईयर एंड टॉपिक वाइज सारे मॉक्स और सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। और क्लासेस में हम इन सारे चीजों को हर सैटरडे संडे ये बच्चे लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, वो इस सारे टेस्ट को अवेल करते हैं और दे करके अपने अपने स्कोर्स के साथ आते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स होता है उन सारे के बारे में हम लोग डिटेल में उसको डिस्क्राइब करते हैं और उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आई होप दैट यू विल डेफिनेटली ज्वाइन दीज ऑल, और अगर आप में आप पैशनेटली इंटरेस्टेड है डू समथिंग स्पेशल सो इन योर करियर, डेफिनेटली यू विल जस्ट ज्वाइन दिस वंस। और कैट इज नॉट यू कैन से अ कप ऑफ टी, बट इट्स ए हार्ड नट टू क्रैक, तो आपको क्रैक करने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। सो आई जस्ट स्टार्टेड दिस क्लास ओनली फॉर यू गाइस, इफ यू जस्ट वांटेड टू ज्वाइन यू कैन, एंड गो थ्रू द कनेक्ट टू माइंड्स, यू कैन जस्ट इजीली लॉग इन दैट वंस एंड डाउनलोड फ्रॉम द प्ले स्टोर्स connecttominds.com। और हमारा क्लासेस जो है वो 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 9 PM से। तो जिन लोगों को भी लगता है कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं, आई जस्ट गिवन माई कॉन्टेक्ट नंबर, यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, 7706121185, उस पे मुझे आप टेक्स्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और डायरेक्टली कनेक्ट टू माइंड्स पे जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि आरसी रिलेटेड क्लास होगा, डेफिनेटली आई जस्ट गिव यू समथिंग स्पेशल। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।